गोबी रेगिस्तान में इस साल ऐसा बवंडर उठा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर चीन की राजधानी बीजिंग भी रेत से पट गई। लेकिन कुछ लोग इस रेगिस्तान को रोकने में जुटे हैं। गोबी रेगिस्तान दुनिया का छठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है और इसका क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये विशाल रेगिस्तान मंगोलिया से लेकर पश्चिमोत्तर चीन तक फैला है। दूर दूर तक फैले इस बियाबान में जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग हालात से कभी हार नहीं मानते। चीन के पश्चिमोत्तर गांसू प्रांत के यांगगुआन में इन लोगों ने अपने कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। ये लोग इस रेगिस्तान को हरा भरा करना चाहते हैं। चीन दशकों से अपने रेगिस्तानी इलाकों को खेती लायक बनाने पर काम कर रहा है। इसके तहत मुख्य रूप से पेड़ लगाने पर जोर है और अब इसके अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। अतीत में यहाँ पर घास नहीं उगती थी, धरती बंजर थी और रेत के टीले थे। जब हवा चलती थी तो हर जगह रेत उड़ती थी और जमीन को ढक लेती थी। उसके बाद सड़कें दफन हो जाती और खेतों में फसलों को हवा और रेत बर्बाद कर देते थे। वांग के पिता बीमार हैं, इसलिए सख्त मेहनत वाली खेती और वृक्षारोपण के काम को उन्होंने अपने हाथ में लिया है। वांग का परिवार 1980 से इस गांव में बसा है। वांग कहते हैं कि रेगिस्तान के खिलाफ लड़ाई उन्हें विरासत में मिली है और आखिरी दम तक वो इसे नहीं छोड़ेंगे। रेगिस्तान को नियंत्रित करना एक लंबी लड़ाई है। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि जब तक हमारी सांस में सांस है, हम इस रेगिस्तान में पेड़ लगाएंगे। यही मेरा मकसद है। इस जुनून की एक और वजह है वांग का 14 साल का बेटा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा बेटा यहाँ बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक दिन रात को उसने मुझे अपने पास बुलाया। उस वक्त वह 14 साल का था। उसने मुझसे कहा, आपको इस रेगिस्तान को हरियाली में बदलना है, वरना आप मुझे और इस रेगिस्तान को निराश करेंगे। उसने मुझे साहस दिया और मैं 22 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैंने 8 से 9 हजार एकड़ रेगिस्तान को हरा भरा किया है। अब मेरा लक्ष्य 10 हजार एकड़ है, यानी और रेगिस्तान मेरा इंतजार कर रहा है। वांग के बेटे की मौत ब्रेन ट्यूमर से हुई थी। जब मैं रेगिस्तान में हर एक पेड़ को देखता हूं, तो मैं अपने बेटे को अपने सामने खड़ा हुआ देखता हूं, और इससे मुझे आत्मविश्वास मिलता है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं रेगिस्तान में अपने छोटे बेटे की इच्छा को पूरा करने के लिए पेड़ लगा रहा हूं। मैंने इसी रेगिस्तान में अपने बेटे को दफनाया है। मैं चीनी नववर्ष की पूर्व संध्या पर उसकी कब्र के पास जाता हूं। मैं उसके लिए इस रेगिस्तान को नियंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि उसने मरने से पहले मुझसे कहा था कि रेगिस्तान को हरा भरा कर देना। थ्री नॉर्थ शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम खासा सफल रहा है। आम भाषा में ग्रेट ग्रीन वॉल कहे जाने वाले इस कार्यक्रम से चीन के 1/4 क्षेत्र के बराबर जंगल उगाने में मदद मिली है। ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि 1949 में चीन के सिर्फ 10% से भी कम इलाके में जंगल थे। आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन से मुश्किल और बढ़ेगी, इसीलिए सरकार ने वन क्षेत्र से जुड़ा अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। देश के कुल क्षेत्रफल के 24.1% हिस्से को 2025 तक जंगलों से ढकने का इरादा है। बीते साल ये आंकड़ा लगभग 23% था। सरकार को दशकों से चल रहे इस अभियान से मिले अनुभव का फायदा हो रहा है। इस काम के लिए वॉलंटियरों की भी कमी नहीं है। वांग जैसे लोग
इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। जब आपको बंजर जमीन से गुजर बसर करनी पड़े तो हर एक पेड़, झाड़ी और घास का हर एक तिनका अहम हो जाता है। ऐसे इलाकों में जलवायु परिवर्तन के असर सबसे भयानक होते हैं। पानी तो यहाँ सबसे कीमती है और उसकी कमी यहाँ रहने वाले लोग लगातार झेल रहे हैं। सिर्फ हमने ही अपनी भेड़ नहीं गवाई है, कुछ और गडरियों की भेड़ें भी मारी गई हैं सूखे के कारण। आसमान से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। पिछले साल भी आखिर के 6 महीनों में बारिश नहीं हुई, तब भी सूखा था, और इस साल भी बारिश नहीं हुई है। यहाँ मवेशियों के चारे का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है, खासकर जब बवंडर उठता है तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। हे भगवान, पूरी रात रेत की आंधी चलती रही। शाम 4 बजे शुरू हुई और अगले दिन 11 बजे तक चलती रही। हे भगवान, जब ये चल रही थी तो मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। उस दिन तो हम भेड़ों को देख ही नहीं पाए। रेत अब भी घूम रही है, इसे काबू नहीं किया जा सकता। रेत को नियंत्रित करना असंभव है। जब हवा चलती है तो बहुत बड़ा बवंडर उठता है, कोई उसे नहीं रोक सकता। मार्च के महीने में गोबी रेगिस्तान से उठा रेतीला तूफान राजधानी बीजिंग तक पहुंच गया। 6 साल में ऐसा पहली बार हुआ। इसके बाद चीन के वृक्षारोपण कार्यक्रम पर बहस तेज हो गई कि क्या पेड़ लगाकर इस समस्या से निपटा जा सकता है। ग्रीन पीस के साथ काम करने वाली लियू चुनियान कहती हैं कि रेगिस्तान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। इससे निपटने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना काफी नहीं होगा। इस साल उत्तरी चीन में आने वाली धूल भरी आंधियों की अकेली वजह जलवायु परिवर्तन ही है। बहुत ज्यादा तापमान, सूखा और इकोसिस्टम को होने वाले नुकसान की वजह से इस बार वसंत के दौरान रेतीले तूफान उठे। इसलिए रेतीले तूफानों के खतरे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन वांग जैसे लोगों के हाथ में जो है वो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, वो पेड़ लगाते रहेंगे। उनकी मेहनत बाकी देश के लिए भी प्रेरणा है। जमीनी स्तर पर काम कर रहे उन जैसे लोगों की बदौलत ही चीन की सरकार अपनी पीठ ठोकती है कि वो रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है।